पर्यटन सुविधाओं के विकास और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए उत्तराखंड सरकार की होम स्टे योजना रफ्तार पकड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद होम स्टे योजना में अधिकतम सब्सिडी को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख या फिर लागत का 50% जो भी अधिक हो कर दी गई है। एक और खास बात ये है कि अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे तैयार किए जा सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से जहां होम स्टे के जरिए प्रदेश भर में पर्यटकों को रहने की सुविधा मिलेगी, वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में चल रही होम स्टे योजना की सराहना कर चुके हैं। देखिए मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि होम स्टे वाले जितने भी हैं ना, उन सबका एक वेबसाइट बना करके किसी को भी होम स्टे करना है तो उसका फोन नंबर, अता पता, ईमेल एड्रेस मिल जाना चाहिए, ताकि किसी भी यात्री को सीधा संपर्क करना है, 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, खाने में क्या चाहिए, रहने के लिए क्या व्यवस्था चाहिए, कितने लोग आने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से काम बढ़ सकता है। और यही कारण है कि सरकार का इस योजना पर खास फोकस है। अभी तक राज्य में करीब 3600 से अधिक होम स्टे अस्तित्व में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात को कह चुके हैं कि हमारे प्रदेश के युवा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन करने वाले बने, आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर अपना उत्तराखंड।